कि किसको मिलेगा गोल्ड और किसको मिलेगा ब्रोंज। तो गोल्ड मेडल का मुकाबला, गोल्ड मेडल के मुकाबले तक पहुंचने के लिए थोड़ा यहां पर इनको संघर्ष करना पड़ेगा। और खास तौर से एक मुक्केबाज जो हैं वो एक पंजाब की यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, जो कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है। और दूसरे जो मुक्केबाज हैं वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के हैं, KU, और हरियाणा का पूरी तरह से बोलबाला है जहां तक मुक्केबाजी की बात की जाए। संजीव, इस मुकाबले को आप कैसे देखते हैं? आपने इनकी बाउट्स पहले भी देखी हुई हैं। बिल्कुल आशीष, आपने बिल्कुल सही कहा। मुकाबला जो दबदबा है वो हरियाणा के ही खिलाड़ियों का ज़्यादा है। हरियाणा और पंजाब मिले जुले हम कह सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो भी मुक्केबाज हैं वो या तो हरियाणा यूनिवर्सिटी से संबंध रखते हैं किसी ना किसी रूप से, और या फिर वो पंजाब से संबंध रखते हैं किसी ना किसी रूप से। और ये पहला मुकाबला है आशीष मिनिमम वेट कैटेगरी का। गोपी जो कि रेड कॉर्नर के मुक्केबाज हैं, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के रजत पदक विजेता रहे हैं, स्कूल नेशनल के स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं, और वहीं नीरज की बात करें तो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज। दोनों के मध्य ये मुकाबला होगा। पहला चक्र है, पहला चक्र प्रारंभ हो चुका है। लाइव मिनिमम वेट कैटेगरी का मुकाबला है आशीष। सबसे बड़ी चीज, इस भार वर्ग में हमें बहुत ज्यादा स्पीड वर्क देखने को मिलेगा, एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से हुक और अपरकट का प्रयोग ज्यादा देखने को मिलेगा, स्पीड ज्यादा देखने को मिलेगी, चुस्ती दुरुस्ती ज्यादा देखने को मिलेगी। एक अच्छा प्रयास ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज का, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का, बहुत सुंदर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के रेड कॉर्नर के मुक्केबाज गोपी आगे बढ़कर प्रहार करते हैं, स्टेप बैक लेते हैं, स्टेप बैक करके पीछे की ओर हटते हैं। यहां पर रेफरी द्वारा उनको कॉशन दिया गया कि मुक्के के अंदरूनी हिस्से का प्रयोग ना करें, ज्यादा से ज्यादा नकल पोर्शन का प्रयोग करें। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के नीरज जो बहुत सुलझे हुए मुक्केबाज, बड़े धैर्य के साथ अपने प्रतिद्वंदी को देखते हुए, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के रजत पदक विजेता रहे हैं और यूथ नेशनल में इन्होंने कांस्य पदक जीता था गोपी ने, जो कि रेड कॉर्नर के मुक्केबाज है। और नीरज की अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं इसी भार वर्ग में। वर्ष 2022 की जो लवली पब्लिक यूनिवर्सिटी में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी हुई थी प्रतियोगिता, उसके स्वर्ण पदक विजेता है। और पहला चक्र चल रहा है, पहला चक्र बहुत सुंदर तरीके से खेलते हुए ब्लू कॉर्नर के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के यह मुक्केबाज। आशीष कोई मौका नहीं दे रहे हैं ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज अपने प्रतिद्वंदी गोपी को कि वह संभल सके। जी हाँ, जब कॉर्नर पे लेके जाते हैं मुझे लगता है जैसे अभी कॉर्नर पे जाते हैं या रोप्स में अटकते हैं, तो वो एक अच्छा समय होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा अटैक करें। और बहुत दफे ऐसा देखने को मिला कि जैसे ही वो रोप्स में फंसते हैं वो पीछे हटते हैं। यहाँ पर मौका है अभी ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज के लिए, क्योंकि उनके ओपोनेंट लेकिन कितनी चतुराई से वापस आते हैं सेंटर में। ये एक अच्छी टैक्टिक्स है कि अपने ओपोनेंट को बिल्कुल मौका नहीं दे रहे, सेंटर में मुक्केबाजी लड़ना चाहते हैं। आशीष सबसे बड़ी चीज देखी आपने, ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज नीरज कॉम्बिनेशन पंचेज का प्रयोग कर रहे हैं, बॉडी पर प्रहार करते हैं, अपरकट का प्रयोग करते हैं, फिर हुक का प्रयोग करते हैं। हुक और अपरकट का कॉम्बिनेशन उनका बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी चीज, डिस्टेंस मेंटेन करके रखा हुआ है, जो उनका डिस्टेंस है वो मेंटेन कर रखा है, क्लोज डिस्टेंस पर जाते हैं, अपरकट और हुक की गेम खेलते हैं। एक अच्छी सोची समझी रणनीति जो उन्होंने पहले से सोच रखी थी वो देखी, साफ सुथरा खेल है, कोई छटपटाहट नहीं है दोनों ही मुक्केबाजों के बीच में। हालांकि यहां पर गोपी दाएं और बाएं भाग रहे हैं, मतलब कि फुटवर्क बाहर करना चाहते हैं, मुक्कों की रेंज से हटना चाहते हैं प्रतिद्वंदी के, मगर अब उनको श्रृंखलाबद्ध तरीके से उनको प्रहार कर रहे होंगे। पहला चक्र प्रारंभ हुआ, समाप्त हुआ, एक मिनट का अंतराल है, देखना होगा किस तरीके से अंक अर्जित किए हैं इस चक्र में, पहले चक्र की समाप्ति में। ये देखिएगा किस तरीके से अंक अर्जित किए, क्लोज डिस्टेंस पर गए, एकदम क्लोज में, जैसे ही प्रतिद्वंदी रेड कॉर्नर के गोपी उन पर प्रहार कर रहा है तभी काउंटर अटैक किया, उसके साथ उन्होंने प्रहार किया, वीव किया गोपी ने, अपने आप को बचाया, अपनी आत्मरक्षा करी और फिर स्टेट जैम के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया। राइट स्टेट एंड लेफ्ट स्टेट, स्टेट जैम थोड़ा सा स्लाइटली बेंड हुए, तिरछे हुए, और फिर उन्होंने बॉडी पर प्रहार किया नीरज ने, अच्छी रणनीति।
इसने का प्रयोग और यहां पर बीच में रेफरी ने रोका क्योंकि राउंड समाप्त हुआ था और ये दूसरा चक्र प्रारंभ हो चुका है। आशीष एक अच्छी शुरुआत यहां पर लेफ्ट उठता इस बार कॉम्बिनेशन ऑफ पंचेस क्लोज आते हैं फिर पीछे हटते हैं यहां पर रेड कॉर्नर के मुक्केबाज जो हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के गोपी एक बार फिर कॉम्बिनेशन यहां पर राइट हुक था इस बार एक और इस बार चतुराई से और सूझबूझ से लड़ रहे हैं दोनों मुक्केबाज बिकॉज डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है पंच रिलीज करते हैं और वापस अपनी पोजीशन लेते हैं ये स्ट्रेट जैब था और अच्छी खासियत ये दोनों बॉक्सर्स की रिंग के सेंटर में लड़ रहे हैं कॉर्नर में नहीं जा रहे रोप्स में नहीं जा रहे ये एक बहुत ही अच्छी चीज होती है बहुत अच्छी टैक्टिक्स होती है रोप्स में जाएंगे कॉर्नर पे जाएंगे तो उनकी समस्याएं बढ़ सकती हैं बिल्कुल आशीष और बहुत सुंदर खेल का परिचय रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया कि ब्रेक की कमांड को सुने रेड कॉर्नर के मुक्केबाज को निर्देश दिया सर को उठाकर खेले और ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज को निर्देश दिया कि वह अपने प्रतिद्वंदी को दबाए नहीं आप ड्यूरिंग द फाउल अपने प्रतिद्वंदी को दबा नहीं सकते नीचे की ओर झुका नहीं सकते तो यहाँ पर क्लोज डिस्टेंस पर खेल रहे हैं दोनों मुक्केबाज बहुत नजदीक आ जाते हैं और फिर अपरकट और हुक की गेम खेलते हैं तो और ये स्वाभाविक भी है अपरकट और हुक तभी कनेक्ट होते हैं जब आप क्लोज डिस्टेंस पर खेलते हैं दूर से अपरकट और हुक का प्रहार नहीं किया जाता और ना ही वो कनेक्ट होते हैं तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपके अपरकट और हुक सही दिशा में सही टारगेट एरिया पे सही समय पर लैंड करे आपका मुक्का तो उसके लिए आपको क्लोज डिस्टेंस पर जाना बहुत अति आवश्यक है और ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज उन्होंने अपना गार्ड भी रखा हुआ ये एक अच्छी चीज नीरज स्वामी जो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के यहाँ पर मौका बन सकता है रोप्स में है अटैक कर सकते हैं ज्यादा हावी हो सकते हैं लेकिन बाहर निकले रेड कॉर्नर से गोपी और थोड़ी थकान यहाँ पर इस दूसरे राउंड के आखिरी मिनट में और क्लिंचिंग एक बड़ी कॉमन चीज है जब दोनों मुक्केबाज थक जाते हैं तो समय बिताने के लिए क्लिंच करते हैं बिल्कुल और यहाँ पर रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया दोनों ही मुक्केबाजों को ब्रेक का निर्देश दिया था ब्रेक के निर्देश में दोनों ने एक दूसरे से दूर नहीं हुए जब भी ब्रेक कहा जाता है तो दोनों मुक्केबाजों को एक दूसरे से दूर होना होता है जब इस कमांड का पालन उन्होंने अनुपालन नहीं किया तो रेफरी द्वारा उनको स्टॉप किया गया और दूर किया गया समझाया गया कि जब वह ब्रेक बोलेंगे तो आपको एक दूसरे से दूर होना है और रेफरी मिस्टर जोगिंदर बोरा और यहां पर उन्होंने स्लिप हुए थे उनके ग्लव्स को साफ किया मुक्के के प्रहार से नहीं लगे गिरे थे और यहां पर एक दूसरा चक्र समाप्त हुआ बढ़त बनाने में कामयाब है अभी तक ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के मुक्केबाज जो कि लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से नीरज श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रहार करते हुए ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के स्वर्ण पदक विजेता है जो कि इसी वर्ष ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी समाप्त हुई थी ये देखिएगा किस तरीके से अंक अर्जित किए ये सेकंड और कैसे मूव कर रहे हैं अच्छी मूवमेंट और नजदीक आ गए ये राइट हुक का प्रयास था उसके बाद स्ट्रेट पंच अपने रिफ्लेक्सेस को यूज कर रहे हैं इमीडिएटली अपनी बैक को पीछे लेके जाते हैं ताकि ओपोनेंट का जो पंच रिलीज हो रहा है उस कनेक्ट ना हो पाए और आखिरी जो एक मिनट था उसमें थोड़ा सा थके थे दोनों मुक्केबाज तो फिलहाल ये कड़ा मुकाबला इन दोनों बॉक्सर्स के बीच 48 किलोग्राम वर्ग में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के गोपी और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के नीरज जो ब्लू कॉर्नर में है अंतिम और निर्णायक चक्र मिस्टर जोगिंदर जो कि रेफरी है जोगिंदर अनुभवी रेफरी है बीएफआई क्वालिफाई रेफरी स्टार 3 रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के नीरज को कि जब भी अगर वो पुनरावृत्ति करते हैं इसी गलती की तो उनको वार्निंग दे देंगे तो प्रेशर जनरेट करना भी बहुत जरूरी होता है मुक्केबाजों के ऊपर कि वह कोई दंडनीय अपराध ना करें नियमबद्ध तरीके से खेल को खेले अपरकट का प्रयोग 1-1 की गेम खेलते हुए दोनों मुक्केबाज लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रहार करते हुए एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा पकड़ लेते हैं अपने प्रतिद्वंदी को रेड कॉर्नर के मुक्केबाज
प्रहार कर रहे हैं, मगर तारीफ करूंगा यहां पर ब्लू कॉर्नर के बाद की, जैसे ही उन पर प्रहार करने आते हैं काउंटर अटैक करते हैं, काउंटर अटैक के साथ शेल गार्ड रखते हैं। आशीष, रेड कॉर्नर के मुक्केबाजी अगर मैं कहूं तो एक कामी कमजोरी है कि गार्ड हटा लेते हैं, शेल गार्ड नहीं रख रहे, जिस वजह से उनको नुकसान हो रहा है। ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज उन पर हावी हो रहे हैं, लगातार पंच कनेक्ट कर रहे हैं। जी हाँ, डिफेंस में थोड़ी मजबूती देनी होगी क्योंकि इनका अटैक बहुत अच्छा है, कॉम्बिनेशन ऑफ पंचेस बहुत अच्छे हैं, पंचेस रिलीज किए हैं इन्होंने, लेकिन जब डिफेंस की बात आती है यहाँ पर अब कॉर्नर या रोप में ना फंसे तो अच्छा है इनके लिए। इस समय डिफेंस करें और यहाँ पर राइट हुक था और दोनों ही मुक्केबाज टारगेट पर हिट करने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन आप इनकी बॉडी लैंग्वेज से देख सकते हैं कि आखिरी राउंड के जो कुछ मिनट्स बचे हुए हैं उसमें थकान देख सकते हैं, एंड्योरेंस जो है वो कम पड़ रही है और अब अपना बचाव करेंगे और कोशिश यही रहेगी इनकी कि जो भी पंच रिलीज करें वो कनेक्ट हो और रेफरी भी यही कह रहे हैं कि आप मुक्केबाजी कीजिए, आप ज्यादा क्लोज ना आए। राइट हुक था इस बार ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज के द्वारा, नीरज स्वामी के द्वारा। आखिरी राउंड है ये और अपने आप को बचाना शुरू कर दिया है, लेकिन रोप्स में आप क्यों आ रहे हैं ये मेरी समझ से परे है। अभी दोनों बॉक्सर सेंटर में हैं, पंचेस रिलीज कर रहे हैं लेकिन ना तो पंचेस कनेक्ट हो रहे हैं ना ही उसमें इतनी स्ट्रेंथ है कि वो काउंट हो। आखिरी 25 सेकेंड दमखम दिखाना होगा क्योंकि जो जीतेगा वो गोल्ड मेडल बाउट के लिए दावेदारी रखेगा। तो आखिरी कुछ लम्हे इस आज की पहली बाउट के, 48 करोड़ उम्र का ये मुकाबला है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला, एक अच्छी बाउट। संजीव, कहीं ना कहीं जो अनुभव था वो फायदेमंद साबित हुआ चैंपियन के लिए। बिल्कुल आशीष, एक संघर्षपूर्ण मुकाबला देखने को मिला और सबसे बड़ी चीज ये देखिएगा किस तरीके से प्रहार किए गए। रेड कॉर्नर के मुक्केबाज के प्रहार अच्छे थे मगर वो प्रहार लक्ष्यहीन दिशाहीन प्रहार है। आप प्रयास कर रहे हैं मगर आपके प्रयास अगर लक्ष्यहीन है तो उसका कोई फायदा नहीं, आपने अपनी एनर्जी को वेस्ट किया। और रेफरी द्वारा उनको निर्देश भी दिया गया दो तीन बार कि आप मुक्के के अधूरे हिस्से का प्रयोग कर रहे हैं, नकल पोर्शन टारगेट एरिया पे लैंड होना चाहिए। किस तरीके से प्रहार किए, बीच बीच में उनके पंच बहुत अच्छे कनेक्ट हुए हैं और डेडे की घोषणा कुछ ही क्षणों में। रेड कॉर्नर के मुक्केबाज ने इस मुकाबले को जीता है बहुत सुंदर तरीके से। ये देखिएगा किस तरीके से नीरज को प्रास करके गोपी ने इस मुकाबले को जीता है, 28-29, 29-28, 29-28।